नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप Realme C55 मोबाइल में आप किस तरीके से स्विच ऑफ कर सकते हो या फिर रीस्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी आप पावर बटन को प्रेस करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे हो कि गूगल का असिस्टेंट तरीके से आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम सभी के फ़ोन में आ रही है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसमें चले जाना है। तो यहाँ पर मैं सेटिंग में जाता हूँ, उसके बाद आना है नीचे की तरफ, या फिर आपको ऊपर सर्च बार जो दिख रहा है सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिख देना है प्रेस। जैसे आप प्रेस लिखेंगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, उसके नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन, इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करोगे तो फिर से आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक ऑप्शन मिल रहा है पावर मीनू का, तो आपको पावर मीनू पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद दोस्तों अब आप देखेंगे बैक जाना है और अब अपने पावर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्विच ऑफ करने का ऑप्शन आ चुका है। तो इसी तरीके से आप भी यहाँ पर जो है स्विच ऑफ या रीस्टार्ट कर सकते हो।